झारखंड सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और हमारे यहाँ मुन्ना भैया कह रहे हैं, चार बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। बताइए क्या संभव है जब शिक्षा को राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे इससे दूर रह सकते हैं? यहाँ पे तो हम ही उसके अभिन्न अंग बन के रह जाते हैं। आखिर देखिए क्या क्या मुद्दा चल रहा है झारखंड में। आप झारखंड में बड़ा सियासी मामला चलने वाला है, आप सोच सकते हैं। आखिरकार जब यूपी के विधायकों को मीटिंग के लिए झारखंड में बुलाया गया, जब वहां पे मात्र 11 विधायक जो थे वो अब्सेंट थे, वो नहीं आ पाए। क्यों झारखंड में जो कांग्रेस के विधायक है उनको झारखंड से बाहर नहीं जाने को कहा गया है? उन्हें सख्त हिदायत दिया गया कि वो झारखंड से कहीं और अभी नहीं जाएं। क्यों कांग्रेस ने यह कहा है कि जब विधायकों को बुलाया जाए तो वो 4 घंटे में रांची पहुंच जाएं? क्या मुख्यमंत्री जी की कुर्सी छीनने वाली है? क्या मुख्यमंत्री जी अपने पद से हटने वाले हैं? ऐसे कई सवाल है जो हम इस बात पर चर्चा करेंगे। पर इन सब बातों से चर्चा करने से पहले हमें कुछ बातें हैं जो हमको समझनी है, जो आपको समझानी है मुझे। इस मुद्दे को लेकर शिक्षा पे और हमारे झारखंड में आने वाली जो भी वैकेंसीज है इस पे क्या गहरा असर पड़ेगा, इस पे हम बात करेंगे। चलिए हम पहले बात को समझते हैं कि झारखंड के जो सरकार है हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके समर्थन में कुल 52 विधायक हैं, जिनमें से कि 15 विधायक सिर्फ कांग्रेस के हैं और बाकी 30 विधायक जेएमएम के हैं। और कांग्रेस के 15 विधायक में से 3 विधायक जो है वो जेल में है पहले से ही। आप सोच सकते हैं आरजेडी के 1 विधायक हैं, सीपीआईएमएल के 1 विधायक हैं, एनसीपी के 1 विधायक हैं और साथ में सरयू राय सरकार भी जो है वो सरकार के समर्थन में है। अब कुल 81 में से 52 सरकार के समर्थन में पाले में है, जबकि 26 बीजेपी के विधायक है जिनमें की 1 बीमार है, 2 आंसू के पास है और अभी हम बात करेंगे तो अमित मंडल भी 1 है जो कि बीजेपी में है, यानी कुल 29 बीजेपी के पाले में है। अब हमारे माननीय हेमंत सोरेन के जी के पास 81 में से 52 उनके पाले में है, तो यहां पे फिर डर किस बात का और क्या असमंजस बन जाता है सरकार के पास, क्या खतरा है? आइए इस बात को हम जानते हैं। अभी एक करंट न्यूज आ रहा है यहां पे हमारे पास कि झारखंड सरकार के ऊपर खनन लीज मामला में उनको दोषी माना जा रहा है। अभी पूरी तरह से इसको मानने के लिए नहीं कहा गया है क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी जांच बाकी है, जिसमें कि बीजेपी ने केंद्र चुनाव आयोग को एक शिकायत पत्र भी लिखा था, वहां पे कहा था कि सुनवाई पूरी हो चुकी है जिसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता ना चली जाए, इस बात का भी असमंजस यहां पे लगा हुआ है। भूचाल आने की संभावना है और झारखंड सरकार का कभी भी पल्ला भारी हो सकता है यहां पे और वो कभी भी अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं जो सरकार गलत नीति पे चलेगी, गलत काम करेगी, गलती कहीं नहीं छुपती, ये चीज को आपको पता होना चाहिए। और हम छात्रों का भविष्य कोई खराब करे उसका भविष्य उजागर कभी नहीं हो सकता है, और इस चीज को जानने के लिए आपको आई बटन पर जाकर जो वीडियो है वो देखना होगा, जहां पे हमने माननीय हेमंत सोरेन जी से रिक्वेस्ट किया था कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनको भुगतना पड़ सकता है और वो आज भुगत रहे हैं। वो अपने गलत लोगों के संगत पर रह के वो खुद गलत हो चुके हैं और आप सोच सकते हैं यहां उनके विधायक खुद जेल जा रहे हैं, आज उनकी भी नौबत आ गई है कि उनकी भी कुर्सी छीनने वाली है। हमारे जो माननीय सांसद जी हैं निशिकांत दुबे जी, जो उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर हेमंत सोरेन जी की सरकार जाती है, उनकी कुर्सी जाती है, तो ये बात तय है, निश्चय है कि जरूर ही वो अपनी धर्मपत्नी भाभी जी को वो जरूर लाएंगे और भाभी जी सत्ता में आने पे झारखंड की पहली मुख्यमंत्री जो महिला के रूप में मानी जाएगी वो मानी जाएगी, जो कि हमारी कल्पना जी है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे इस बात को ट्वीट करके निशिकांत दुबे जी ने पहले दावा कर दिया है और जहां तक मुझे भी यही सार्थक और सच लगता है कि अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी चली गई तो यहाँ सरकार को वो ना टूटते देने के लिए अपनी पत्नी को, अपनी धर्मपत्नी को जरूर उस पोस्ट के लिए खड़े करेंगे या उनको आप सुझाव देंगे वहां पे वो पार्टी को कि वो मुख्यमंत्री बने। अब आप देख सकते हैं कि इस जो भी मुद्दा है, इस मुद्दे के कारण हमारे शिक्षा में हमारे जो भी वैकेंसीज आने वाली है इस पे क्या असर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में एग्जाम और लंबे समय के लिए टल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा बुराई हो रहा है, हमारा झारखंड चारों तरफ गंदगी से घिर गया है, इतना गंदगी हो चुका है कि अच्छा फूल अगर खिलना भी चाहे तो नहीं खिल सकता है, वो मुरझा जाएगा। इसी तरह से हमारा झारखंड हो चुका है और यहाँ के युवा जो कि चाहते हैं कि बन जाएं कुछ झारखंड में रह के, पर वो नहीं बन सकते,
थे, चाहे वो 1932 का खतियान हो, चाहे यहाँ की शिक्षा नीति हो, चाहे यहाँ पे कोई और भी मामला हो, जो कि सारे मामला अभी हाईकोर्ट और केस पे लगा हुआ है। अब आप बात मानते हैं, अगर मेरी बात को सच मानते हैं तो कमेंट करके बताएं दोस्तों। आपको बस हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा, हम ऐसे ही बहुत ही संगीन और गंभीर मुद्दा आप तक जरूर पहुंचाते हैं। और हमारा चैनल ऑलरेडी आपको एजुकेशन, साथ में जॉब, इन सब की तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाता है और वीडियोस भी आप तक पहुंचाता है। आपको करना क्या पड़ेगा, रेड कलर का एक बटन है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, जिससे आने वाले समय में सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आप 10th पास किए हुए हैं, अगर आपको 10th पास करने के बाद नौकरी चाहिए तो इस आइकन पे क्लिक करें, जहां पे आपको 10th पास जो वैकेंसीज है वो आपको मिल जाएंगी। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो इस आइकन पे क्लिक करें, आपको 12th पास पे जो भी वैकेंसीज है वो आपको इस आइकन पे मिल जाएगी। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको इस लोगो पे क्लिक करना है दोस्तों, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं।